नमस्कार, एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग पैकेज एसी के कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के बारे में जानेंगे। तो ये जो है पैकेज एसी का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। कंट्रोल वायरिंग डायग्राम अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। जितनी भी कंपनियां रहती है अपने अपने सिस्टम के मुताबिक जो है अपना वायरिंग डायग्राम इशू करती है, उसी वायरिंग डायग्राम से वर्क होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पैकेज एसी का वायरिंग डायग्राम किसी और मतलब जितना पैकेज एसी का वायरिंग बना हुआ है उसमें ये अलग है, ठीक है। तो इसमें पहले कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। किसी प्रकार का क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन भी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट इन, यानी कि 220 वोल्ट इन हो रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 220 वोल्ट इन ही होता है, कहीं कहीं 415 वोल्ट भी इन होता है। तो यहाँ से हमारा फेस, ये हमारा न्यूट्रल, ठीक है ना। लेकिन जब 415 वोल्ट रहेगा तो दोनों तरफ फेस ही रहेगा, ठीक है। ये जो है आपका न्यूट्रल और इधर से फेस, ठीक है। ये आउट कर रहा है कितना, तो 24 वोल्ट AC, यानी कि 24 वोल्ट AC ये आउट कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है जीरो, ये यहाँ पर जो है कॉमन लिखा हुआ है, ये जीरो बन जाता है, ये 24 वोल्ट का फेस, ठीक है। यही 24 वोल्ट का फेस हमारा थर्मोस्टेट, ये जो आप देख रहे हैं ये थर्मोस्टेट है CRG Y1 Y2, यानी कि यहाँ पर जो है दो कंप्रेसर है, ठीक है ना, दो कंप्रेसर, एक ब्लोअर मोटर, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा कॉमन, ये जो है फेस है, ठीक है, जो थर्मोस्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो इधर से हमारा ये न्यूट्रल चला गया और ऊपर से फेस, ये देखिए टोटल कंट्रोलिंग जो है 24 वोल्ट पर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कंट्रोलिंग 24 वोल्ट पर हो रहा है, ठीक है। कैसे कैसे वर्क हो रहा है ये आप देखिए, कैसे कैसे काम कर रहा है ये आप एकदम डिटेल में समझिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हर जितना भी वायरिंग डायग्राम बना हुआ है कंट्रोल का उससे ये डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं क्या क्या इक्विपमेंट है। सबसे पहले कंट्रोल रिले 1, ठीक है ना, यहाँ पर कंट्रोल रिले 2 और कंट्रोल रिले 3, ठीक है ना। इसे यहाँ पर 3 गो रिले लगा हुआ है, ठीक है, 3 रिले लगा हुआ है। ये तीनों रिले जो है कैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 रिले, एक ब्लोअर मोटर कॉन्टेक्टर, ठीक है ना, यहाँ पर एक टाइम डिले, एक कंप्रेसर कॉन्टेक्टर यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर टाइम डिले, ठीक है, कंप्रेसर कॉन्टेक्टर 3, यानी कि 3 गो यहाँ पर कॉन्टेक्टर 3 हो गया। अब 4 और ये 5, कंडेंसर फैन मोटर का ये, कंडेंसर फैन मोटर का ये, ठीक है ना, यानी कि 5 कॉन्टेक्टर इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। और पूरा टोटल का जो है कंट्रोलिंग 24 वोल्ट से ही हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे इसका सप्लाई है, ये हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से जो इसमें जो है कंप्रेसर में ओवरलोड रिले नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि पिछला जो पावर वायरिंग आप इसका देखिएगा, जो इसका पावर वायरिंग, तो कंप्रेसर में ओवरलोड रिले नहीं है। मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल है जो यहाँ पर MPM, ठीक है, मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल जो यहाँ पर लगा हुआ है MPM, ठीक है ना, दो कंप्रेसर के लिए दो मोटर प्रोटेक्टर मॉड्यूल, ठीक है ना। तो मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल जो है, जो पावर वायरिंग समझिएगा, तो उसमें भी मिलेगा इसमें भी मिल रहा है। जैसे पावर वायरिंग में कैसे पावर का सप्लाई जा रहा है, कंट्रोल में ये कैसे कंट्रोलिंग हो रहा है, ठीक है। तो मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल में जब आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, कि मोटर प्रोटेक्शन यहाँ पर मॉड्यूल हो गया, उसके बाद से यहाँ पर फैन साइकिलिंग स्विच भी दो लगा हुआ है, ये FCS, यहाँ पर FCS और FCS2 और FCS1, यानी कि फैन साइकिलिंग स्विच, ठीक है ना। यहाँ पर कंडेंसर फैन मोटर का कंटेक्टर और कंडेंसर फैन मोटर 5, यहाँ पर 4 5, यानी कि 5 कंटेक्टर, फैन साइकिलिंग स्विच, ठीक है ना, कंट्रोल स्विच, ठीक है। उसके बाद से मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल, उसके बाद से यहाँ पर कंट्रोल रिले 1, कंट्रोल रिले 2 और कंट्रोल रिले 3, ब्लोअर मोटर कॉन्टेक्टर, ठीक है। ये जो रिले है 8 पिन रिले या ग्लास रिले, क्या बोलते हैं, 8 पिन रिले या ग्लास रिले, ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कि सप्लाई कैसे चल रहा है और कैसे ये वर्क करता है। देखिए, जब जो है अपने रूम में जो टेम्परेचर जो है, कंप्रेसर जो है अपना कब स्टार्ट होता है, कैसे ब्लोअर स्टार्ट होता है, तो जब रूम में टेम्परेचर जो है थर्मोस्टेट सेंस करता है, ठीक है ना, थर्मोस्टेट टेम्परेचर सेंस करके उसमें सेटिंग किया जाता है कि कितना मतलब हमको टेम्परेचर चाहिए। देखिए, ये थर्मोस्टेट भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना,
एक डिजिटल और एक एनालॉग। ठीक है, आज तक मैं जो भी मोटर में सिर्फ डिजिटल ही चल रहा है, तो जितना जो भी थर्मोस्टेट में आप टेम्परेचर सेट रखिएगा उस सेटिंग के अनुसार। देखिए थर्मोस्टेट में क्या होता है, एक होता है फैन, एक सेटिंग, ठीक है ना। तो फैन में मैनुअल ऑटो, ठीक है ना, और सेटिंग और कूलिंग और हीटिंग, मतलब किसमें आपको कूलिंग में चलाना है, तो हम लोग अभी कूलिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कूलिंग की बात करते हैं, तो फैन को ये जो सिस्टम है उसको मैनुअल में रखा जाता है, ठीक है ना, मैनुअल में रखा जाता है। क्यों, और ऑटो में रखिएगा ना, तो एक बैग पूरा सिस्टम ऑन होगा, यानी कि कंप्रेसर भी ऑन होगा, ब्लोअर मोटर जो है आपका ऑन होगा, ठीक है, जो भी आपका सिस्टम है साथ में ही कंडेंसर फैन मोटर भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यानी कि टोटल एक साथ ही स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑटो में रखते हैं तो पूरा एक साथ स्टार्ट होगा, लेकिन मैनुअल में रखते हैं तो क्या होता है, मतलब ऐसे सिस्टम को ज्यादा मैनुअल में रखा जाता है, ठीक है। अब मैनुअल में जब पावर सप्लाई जो है, देखिए इसमें सिंगल फेस प्रोमीटर रहता है, ठीक है, तो सिंगल फेस प्रोमीटर हम यहाँ पर ना देखे, कंट्रोल यहाँ पर कंट्रोल फ्यूज, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल फ्यूज, देखिए एक होता है HRC फ्यूज, यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का, उसको HRC फ्यूज बोला जाता है, और एक होता है कंट्रोल फ्यूज, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3.5 यानी कि 3.5 एम्पियर का होता है, ठीक है, अपने एम्पियर के अनुसार जैसा कंट्रोल करते हैं वैसा फ्यूज भी रहता है, ठीक है। तो जब हमारा सप्लाई थर्मो स्टेट को पहुंचेगा, यहाँ पर रेड पहुंचेगा, यहाँ पर फेस, इधर से पहुंचेगा न्यूट्रल, 24 वोल्ट। थर्मो स्टेट के स्टार्टिंग करने के लिए 24 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 वोल्ट का स्टार्ट जब हो जाएगा, टेम्परेचर जितना थर्मो स्टेट में सेट रहेगा उसके अनुसार से मैनुअल में रहेगा, तो सीधा हमारा कॉन्टेक्टर रिले वन, ठीक है ना, हमारा कॉन्टेक्टर रिले वन स्टार्ट होगा, जिसको 8 पिन रिले, ग्लास रिले, यहाँ पर कंट्रोल रिले वन इसको बोलते हैं, कंट्रोल रिले वन स्टार्ट होगा। तो कंट्रोल रिले वन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर कंट्रोल रिले वन का एनो है, ठीक है, कंट्रोल रिले वन का एनो है, तो ये क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, ठीक है। NC होने का मतलब है कि सप्लाई आगे बढ़ेगा, कहाँ पर, तो ओवरलोड रिले के पास। तो ओवरलोड रिले का 95 और 96, ठीक है, NC पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद से सप्लाई आगे बढ़ेगा कहां पर, तो ब्लोअर मोटर के कंटेक्टर पर। तो ब्लोअर मोटर के कंटेक्टर पर इधर से फेस, ये न्यूट्रल सप्लाई पहुंचेगा, तो हमारा ब्लोअर मोटर कंटेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर कंट्रोल रिले टू की बात आती है, ठीक है। तो कंट्रोल रिले टू की बात जब आती है, तो जब कंट्रोल रिले टू कैसे काम करता है, देखिए कंट्रोल रिले टू जो है कब स्टार्ट होगा, ये Y1 यानी कि यहां पर कंप्रेसर वन, ठीक है ना, कंप्रेसर वन। तो जब कंप्रेसर वन जब है, जब टेम्परेचर अपना थर्मोस्टेट जो है अपना मेंटेन करेगा कि कितना हमको टेम्परेचर चाहिए, उसके अनुसार से क्या करेगा कि यहां पर Y1 को सप्लाई देगा। जरूरी नहीं है कि Y1 को सप्लाई देगा, Y2 को भी दे सकता है, ठीक है। Y1 के बाय द वे अगर नहीं दिया, अब Y2 को दे दिया तो क्या होगा, तो इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंट्रोल रिले टू, ठीक है ना, यहाँ पर जो रिले कंट्रोल रिले जो आपका है, ये 2 नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो किसका है, तो कंप्रेसर वन, 1 नंबर कंप्रेसर, ठीक है। कंट्रोल स्विच को जो है हमेशा आप ऑन रखते हैं, ठीक है ना, अगर ऑफ रहेगा, यहाँ पर कंट्रोल स्विच का एनो है, तो इसको हमेशा ऑन रखेंगे तो एनो NC रहेगा, यानी कि सप्लाई आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लोअर मोटर का कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अभी मैं बताया कि यहाँ पर कंट्रोल रिले वन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कंट्रोल रिले वन का जो है एनो NC बन रहा है, ओवरलोड रिले के थ्रू जो है ब्लोअर मोटर कॉन्टेक्टर को सप्लाई दे रहा है। तो जब ब्लोअर मोटर कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ब्लोअर मोटर कॉन्टेक्टर का एनो भी NC बनेगा, ठीक है, NC बनेगा, यानी सप्लाई आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो सप्लाई आगे बढ़ाएगा, तो यहां पर जो है कंप्रेसर के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि मोटर प्रोटेक्टर मॉड्यूल, यहां पर जो है M1 M2, ये देखिए ये सब कुछ सही रहेगा ना, तब ये सप्लाई आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये जो अगर सब कुछ सेटिंग कर ले, कैसे हमारा जो है अपना
पावर सप्लाई आ रहा है, ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा है, हर चीज, यानी कि पावर सप्लाई हर चीज चेक करेगा, उसके बाद से ये सप्लाई आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे होके आपका एचपी स्विच के पास आएगा। हाई प्रेशर स्विच एनसी होता है, लो प्रेशर स्विच एनओ होता है, ध्यान रखिएगा। अगर एनओ एनसी यानी कि नॉर्मल हो पे नॉर्मल क्लोज इसको बोला जाता है, ठीक है। तो अगर प्रेशर आपका सही रहा तो ये आगे बढ़ाएगा। ये जो है एलपी स्विच, एलपीएस लगा हुआ है, लो प्रेशर स्विच, ठीक है। तो ये गैस का प्रेशर सही होगा, सॉरी, गैस का प्रेशर अगर सही होता है तो ये एनओ है, सो एनसी होगा, ठीक है ना, एनसी होगा। तो सप्लाई यहाँ पर कंट्रोल रिले टू का जो भी एनओ जो है ये भी एनसी होगा, ठीक है। और सप्लाई हमारा टाइम डिले, ये देखिए ये टाइम डिले है, ठीक है ना। टाइम डिले कई टाइप से होता है, ठीक है ना। ये एक में दीजिए पावर सप्लाई एक आउट करेगा, ये जो है कुछ देर बाद आउट करेगा, 3-4 सेकंड के बाद आउट करेगा, ठीक है ना। ये टाइमर का एनओ, ठीक है, टाइमर का एनओ जो है यहाँ पर एनसी बनेगा, हमारा कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर टू को सप्लाई मिलेगा, जो है हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑन हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टर, कंप्रेसर टू को सप्लाई मिलेगा और ऑन हो जाएगा। अब आते हैं इसके आगे, देखिए अब कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर टू को सप्लाई अगर मिलता है, ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां से आप डायरेक्ट अब यहां पर आइए, यहां पर है ये जो एनओ जो है ये एनसी हो जाएगा, कंप्रेसर का जो एनओ जो है यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर का एनओ ये एनसी हो जाएगा, ठीक है। और सप्लाई सीधा हमारा ओवरलोड रिले के मिलेगा, यहाँ पर ओवरलोड रिले 95 और ये 96, ठीक है, 95 पर 96 को मिलेगा, ठीक है। हमारा ये कंडेंसर फैन मोटर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर इधर से फेस और इधर से न्यूट्रल, ये कंडेंसर फैन मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर टू यहाँ पर वन स्टार्ट होगा तो ये सप्लाई एनओ एनसी हो रहा है, ये थ्री स्टार्ट होगा तो ये सप्लाई एनओ एनसी हो रहा है। उसके बाद से ये फैन साइक्लिंग स्विच, ये फैन साइक्लिंग स्विच भी है, ये भी जो है आपका जो है क्या होगा, एनओ जो है एनसी बन जाएगा, ठीक है। तो दो फैन साइक्लिंग स्विच है, वन और टू। तो दो फैन साइक्लिंग जो स्विच जो है अपना इसलिए लगाया होता है कि बाय द वे अगर वाई वन को न स्टार्ट करके वाई टू को थर्मोस्टेट जो है का मान दे दिया और दूसरा कंप्रेसर चालू हो गया, तो उसके लिए उस टाइम पर ये जो है जो एनओ जो है आपका एनसी हो जाएगा, यहाँ पर जो है फैन साइक्लिंग स्विच भी एनसी हो जाएगा, और सीधा जो है हमारा कंडेंसर फैन मोटर 5 यानी कि पांचवे नंबर ओवरलोड रिले से होते हुए 95-96 होते हुए और सप्लाई हमारा कंडेंसर फैन मोटर के पास आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है आपको ऐसे लगाया हुआ है, यानी कि दो यहाँ पर फैन साइक्लिंग स्विच 1 और फैन साइक्लिंग स्विच 2, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पर जो है कंट्रोल रिले यहाँ पर 3, ठीक है, कंट्रोल रिले 3 को जब यानी कि दो नंबर का जो वाई टू कंप्रेसर जब स्टार्ट होगा तो कंट्रोल रिले 3 स्टार्ट होगा, ठीक है, 3 को सप्लाई मिलेगा। तो कंट्रोल रिले 3, अब देखिए कंट्रोल रिले 3 यहाँ पर देखिएगा, जैसे अभी मैं बताया कि अगर 3 स्टार्ट होगा तो ये वाला जो है एनसी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंट्रोल स्विच जो है ऑन रहेगा, ये सप्लाई बढ़ेगा, ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रेक्टर एनओ रहेगा, एनसी रहेगा, मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल भी जो है सीधा जो है अपना पावर सप्लाई देगा, यहाँ पर एचपी स्विच, एलपी स्विच, यहाँ पर कंट्रोल रिले, ये भी जो है हमारा एनसी बनेगा। अब तब ये टाइम डिले से होके कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर 3 यानी कि कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर 3 पर सप्लाई देगा, ठीक है, ये टाइमर का एनओ एनसी हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टर कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर 3 का जो है सप्लाई देगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है ये हमारा पैकेज एसी का वायरिंग एक यूनिक है, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप का है, ये ज्यादातर एसकेएम के पैकेज में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज्यादातर कई प्रकार का जो है जैसे कैरियर का हो गया अलग उसका ड्राइंग रहता है तो उसके अनुसार से ये काम करता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितना भी कमेंट हो सके, आपको कहीं भी दिक्कत हो अगर वर्क कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।